वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल किताब के ज्ञान में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉक प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब लॉक की प्रॉपर्टीज क्या है और ये कैसे यूज होता है, और साथ में उनके हम कुछ एग्जांपल भी देंगे। तो हमने इस वीडियो में पूरा लॉक की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप अगर कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो शायद आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, अगर आपके सामने दिया हुआ है लॉक बेस ए और यहाँ पर वाई है और ये एक्स के इक्वल दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए टू पावर एक्स इजिकल्स टू वाई। आप इस चीज को, इस लॉक को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं लॉक फॉर्म। क्या बोलते हैं? लॉक फॉर्म। और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो लॉक के साथ लिखा हुआ है, लॉक ए वाई इजिकल्स टू एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो a है, a यहाँ पर चला आता है और ये x पावर में आ जाता है, तो क्या हो जाता है, a टू पावर x हो जाता है। और यहाँ पर जो आपको y दिया है ये इसके इक्वल हो जाता है, तो बन जाता है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाता है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन दिया हुआ है लॉग बेस टू एट इजिकल्स टू एक्स दिया हुआ है, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्स, ये क्वेश्चन है आपका। तो क्या हो जाएगा, दो यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका टू टू पावर एक्स और ये एट क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, टू टू पावर एक्स इजिकल्स टू एट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टू टू पावर एक्स इजिकल्स टू एट को लिख सकते हैं क्या, टू टू पावर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से बेस बेस सेम है, तो एक्स क्या हो जाएगा, थ्री के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है आपका, यहाँ पर है आपका लॉग बेस m a टू पावर x। तो यहाँ पर क्या होता है, ये x चला आएगा यहाँ पर और इसमें log में प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x log m, यहाँ पर हो जाएगा a। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है आपका log बेस a, यहाँ पर है a, तो ये होता है वन के बराबर, अगर बेस में भी a है और साथ में log के a है तो ये वन के बराबर होता है। तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो क्वेश्चन दिया है आपका लॉग बेस थ्री थ्री टू पावर नाइन, ये क्वेश्चन है, तो क्या होगा, नाइन यहाँ पर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा नाइन लॉग बेस थ्री इंटू थ्री हो गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये नाइन है और लॉग बेस थ्री के साथ थ्री है। तो देखिए हमने यहाँ क्या बताया था कि अगर ये दोनों बेस भी ए है, मतलब बेस भी सेम है और जो लॉग के साथ वो भी सेम है, तो क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ भी थ्री है, यहाँ भी थ्री है, तो क्या हो जाएगा, इन टू वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाइन का बराबर, तो नाइन क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको दिया, मान लीजिए टू लॉग टू एट टू पावर फाइव, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इस फाइव को यहाँ पर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका फाइव और टू पहले से है, तो इन टू टू लॉग टू एट हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, फाइव टू या टेन हो गया और log टू एट है, ठीक है। इसका मतलब है कि टू में ऐसा हम क्या पावर लगा दें कि एट आ जाए, तो क्या लगाएंगे, अगर हम टू में पावर थ्री कर दें तो एट आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, थ्री होगा। या फिर दूसरा तरीका है, इसको हम कर सकते हैं आप log टू 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 पावर थ्री लिख सकते हैं, और फिर से क्या होगा, फिर से थ्री यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका थ्री इंटू टेन लॉग बेस टू टू। तो यहाँ भी क्या हो गया, सेम हो गया, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये वन के बराबर हो गया, और ये वाला क्या है, पहले से टेन है और यहाँ भी पहले से थ्री है आपका, तो ये हो गया आपका थ्री इंटू टेन थर्टी के बराबर, ये आपका हो गया आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन दिया हुआ आपका थ्री लॉग बेस थ्री एट्टी वन, तो ये क्या हो गया आपका, इसको आप लिख सकते हैं थ्री लॉग बेस थ्री, एट्टी वन को लिख सकते हैं आप थ्री टू पावर फोर, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, फोर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फोर इंटू थ्री लॉग थ्री टू द बेस थ्री, तो यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो ये क्या हो गया, ये पूरा पूरा वन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पहले से ये फोर है, ये इंटू थ्री है और ये इंटू वन हो गया, तो ये क्या हो गया, फोर थ्री द ट्वेल्व, ट्वेल्व क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब प्रॉपर्टी नंबर फोर है लॉग एम इंटू एन, इन दोनों ब्रैकेट में है,
और प्रॉपर्टी नंबर 5 है लॉग एम बाई एम। तो इसका क्या होगा, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग एम प्लस लॉग एन के इक्वल होगा, और ये होगा आपका लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, जब डिवाइड हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो इसके भी हम कुछ एग्जांपल करेंगे। क्वेश्चन है लॉग बेस 2 32 इंटू 128, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या करेंगे आप, इसको कर लेंगे आप लॉग 2, क्या हो जाएगा 32 प्लस लॉग बेस 2 128, ये चौथे प्रॉपर्टी से ब्रेक हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर है लॉग बेस 2, तो लिख देंगे हम लोग लॉग बेस 2। अब 32 को आप लिख सकते हैं 2 टू पावर 5, फिर यहाँ पर प्लस लॉग 2, 128 लिख सकते हैं 2 टू पावर 7। अब क्या होगा, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा और ये 7 यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, लॉग 2 बेस 2 बचेगा, तो जो 1 के बराबर होगा, फिर ये वाला प्लस, ये वाला प्लस हो गया, यहाँ पर क्या होगा 7 यहाँ पर आ जाएगा, तो log 2 बेस 2 बचेगा, तो ये भी 1 के बराबर होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 मतलब 7 प्लस 5, ये क्या हो गया आपका 12 के बराबर हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 पे एग्जांपल लेंगे। क्वेश्चन है आपका log बेस 3 27 बाई 81, ये आपका एग्जांपल है। तो आप क्या करेंगे, इसको log बेस 3 27, देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं log 27 टू द बेस 3 बोलते हैं, और ये हो जाएगा माइनस log 3 81 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया आपका log 3, 27 को आप ले सकते हैं 3 टू पावर 3, 3 थ्री थ्री 27 माइनस log 3, 81 को ले सकते हैं आप 3 टू पावर 4। अब क्या हो गया, 3 यहाँ पर आ जाएगा और ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 log 3 टू द बेस 3 माइनस 4 log 3 टू द बेस 3, तो क्या हो गया log 3 टू द बेस 3 क्या हो गया, ये 1 के बराबर हो गया, यहाँ पर log 3 टू द बेस 3 या क्या हो गया, ये 1 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, पहले से 3 है तो 3 इंटू हो गया, यहाँ पहले से 4 है तो ये वाला माइनस हो गया, और ये 4 तो 4 इंटू हो गया, ये हो गया आपका 3 इंटू 1 3 माइनस 4 इंटू 1 4, ये हो गया आपका माइनस 1 के बराबर, ये क्या है आंसर है इस एग्जाम्पल का। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। तो एग्जाम्पल दिया है आपका log बेस 4 64 इंटू 256 बाई 128 इंटू 8 टू द पावर क्यूब दिया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या होगा, यह 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 log 4, और क्या हो गया, देखिए 8 8 जा 64, 128 2 जा 256, तो क्या हो गया आपका 8 इंटू 2 मतलब 16, ये हो गया आपका 16। तो यहाँ से हो गया आपका 3 log 4, और ये क्या है, ये है आपका 4 का स्क्वायर, फिर से क्या हो गया 2 यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया 3 इंटू 2 log बेस 4 4, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया 1 के बराबर, और यहाँ पर आ गया 3 इंटू 2 मतलब 6 इंटू 1, ये क्या हो गया 6, इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगर आप चाहते हो तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये होता आपका log बेस 4, यहाँ पर 64, ये होता 64 प्लस log बेस 4 256, ठीक है, ये वाला हो गया। अब नीचे हमने डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा माइनस, माइनस log बेस 4 128 माइनस log बेस 4 8, तो इसको भी सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर सेम आएगा, जो कि 6 के बराबर होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है आपका log m टू पावर n, ये बेस में है, ठीक है, ये बेस में है m टू पावर n, और साथ में इसके है a टू पावर x, तो इसमें क्या होता है, x तो यहाँ पर आता ही है, आपको ये पता ही है, क्या हो जाएगा आपका x log, और यहाँ पर हो जाएगा बेस, देखिए जो यहाँ पर n लिखा है, n क्या होता है, n भी यहाँ पर आता है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में आता है, 1 बाई n के फॉर्म में आता है, तो x यहाँ पर आया था आपका,
और एन भी यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब एक्स बाई एन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका ए, ठीक है। एन यहाँ पर आया और एक्स यहाँ पर आया, तो बचा गया एम बचा और ए बचा, तो एम बेस में हो गया और ए यहाँ पर हो गया, तो एक्स बाई एन लॉग एम ए, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, तो क्वेश्चन है आपका मान लीजिए लॉग बेस पर 4 है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है, ये बेस पर है और यहाँ पर आपका दिया हुआ है 64 to power 4, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या होगा, 4 यहाँ पर आएगा आपका न्यूमरेटर में और ये स्क्वायर आपका आएगा डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा आपका 4/2, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर बचा लॉग 4 बचा और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका 64, ये हो जाएगा आपका 2 2 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 log 4, 64 को हम ले सकते हैं 4 का क्यूब। अब क्या होगा, क्यूब यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 into 3 log base 4 4, ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 1 के इक्वल, तो ये हो गया आपका 2 into 3 into 1, जो कि होगा आपका 6, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 है a to power log base a m, तो ये क्या है, ये जो लॉग है, लॉग बेस ए एम है, ये क्या है, पावर है इसका, ए का पावर है, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका एम के बराबर होता है, मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का पूरा गायब हो जाता है और एम बच जाता है, ठीक है। देखिए जब आपका ये सेम रहेगा, ए यहाँ पर सेम है और ये बेस सेम है, मतलब जिसका पावर हम लगा रहे हैं वो सेम है और लॉग का बेस सेम है, तो अगर ये दोनों सेम होगा तो आपका सब कट जाएगा और यहाँ पर एम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो ये m के बराबर होगा। जैसे हम अगर इसका एग्जांपल लेंगे तो आपका मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 5 to power log base 5 है और यहाँ पर हम ले लेते हैं मान लीजिए 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर लिए हैं वो 5 है और log का बेस भी क्या है, 5 है और ये इसका पावर है, तो जब ये दोनों सेम मिल गए तो सब कट जाएगा और यहाँ पर 12 आंसर आ जाएगा, ठीक क्या होगा, इसका आंसर हो गया। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8 है आपका log a to the base b, प्रॉपर्टी नंबर 9 है आपका log base b है to the power a b है, तो देखिए दो प्रॉपर्टी यहाँ पर हम बताएंगे, अगर आप इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में मतलब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/log base a हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा, b और a इंटरचेंज हो जाएगा जब आप इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में। और यहाँ पर आप दूसरे फॉर्म लिख सकते हैं, मान लीजिए आप लिखते हैं इसको log बाई log लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो बेस में है ये आपका आएगा नीचे और जो log के साथ में है ये आपका आएगा ऊपर, ठीक है, तो हो जाएगा आपका log a बाई log b, मतलब पहले ऊपर वाला log a फिर नीचे वाला log b, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको। तो इसका एग्जाम्पल करते हैं, तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/log base 25 और यहाँ पर 5, ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम अगर इसी को इसमें करें मतलब इस एग्जांपल में करें, इस फॉर्म में करेंगे तो ये आप लिख सकते हैं log 25/log 5, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log 5 का स्क्वायर/log 5, तो यहाँ से हो गया आपका, ये आपका 5 है, तो यहाँ से हो गया 2log 5/log 5, ठीक है, ये क्या हो गया, ये यहाँ पर आ गया है, तो हो गया आपका 2log 5, तो बाई log 5 हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचेगा आपका 2, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आपको 9 प्रॉपर्टीज बताए हैं, तो आपको करना क्या है, आपको हर प्रॉपर्टीज के कुछ एग्जाम्पल लेने हैं और उनको सॉल्व करने हैं ताकि आपका प्रैक्टिस बन जाए, क्योंकि आप एक बार वीडियो देखेंगे तो शायद बाद में आप भूल जाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्लीज आप कुछ एग्जाम्पल बनाइए और इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप हमें टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं।